चलो भाई सारे नहीं मतलब बहुत सारे पढ़ लिए हाँ, 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 अच्छा तो यार, वो आर्ग्यूमेंट जो खुदा के न होने पर है वो मुझे हाँ, बताइए जो पढ़ा आपने फॉर एग्जाम्पल एक पेराडोक्स बोलता हूँ आपको हुँ, कि आप मुझे ये बताए क्या अल्लाह ऐसा कोई पत्थर बना सकता है यार आसिम भाई ये क्या है ये तो नर्सरी के बच्चे आसिम भाई बता दे बता देखा साहब आपको पता है आपका ये क्वेश्चन ही लॉजिकल है कैसे है बताए मुझे क्योंकि आपने अपने क्वेश्चन पे गौर नहीं किया अगर गौर करते तो ये इलॉजिकल कितना था वो आपको जाहिर बोलिए मुझे कि कैसे है क्योंकि आप इसमें सबसे पहले जो है वो खुदा के लिए जो है आप जो है आजिज होना यानी उसका इनकेपेबल होना ये चीज यानी कि एक पॉसिबल मान रहे हैं उसके बाद ही तो ये सवाल करेंगे ना जब ये मानेंगे ही नहीं आप कि खुदा के लिए जो है इनकेपेबल जो है वो पॉसिबल भी है तो ये सवाल ही इनवैलिड है तो आपको समझ में आ गया कैसे ये लॉजिकल है मैं ये कह रहा था इफ खुदा ऑलमाइटी है इफ यू नो द इफ आपने तो आपने, तो आपने कह दिया ऑलमाइटी है खुदा ऑलमाइटी है तो आपका अब देखें आप अब मैं बता रहा हूँ ना कैसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं आप अपने आपको एक तरफ आप कह रहे हैं ऑल माइटी है इसको भी एक मान भी के चल रहे हैं और दूसरी तरफ जो है आप उसकी इनकेपेबिलिटी को भी मान के चल रहे हैं आप कैसे कर सकते हैं कि एक ही एग्जिस्ट एक ही बीइंग के लिए एक ही एग्जिस्टेंस के लिए आप जो है एट द सेम टाइम इनकेपेबिलिटी भी मान रहे हो और एट द सेम टाइम ऑल ऑलमाइटी भी मान रहे हो दोनों में से कोई एक चीज ही मान के आप जो है क्वेश्चन फर्ज करेंगे तो आप ये, ये, है 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 ये के के कि आप किसी शेप को देखें और ये कहें कि अगर ये स्क्वायर है तो क्या ये सर्कल हो सकता है तो जिस तरह ये लॉजिकल है वैसे ही वो भी लॉजिकल है तो अब ये ये तो आपकी दलील नहीं, का नहीं, हाल है ये, ये मैंने आपसे कहा आपसे मैंने कहा कि एक दलील जो खुदा के न होने पर हो और ऐसी एस, मजबूत हो कि उसको तोड़ ना सके आपने पहली ऐसी दलील दी जो यानी ये, ये तो बच्चों वाली हो गई अब तो ये बच्चों के काम है भाई नीड टू तो ग्रो अप मेरे भाई इससे पता लगता है कि आपने दोनों साइड के जो दलाल है ना वो नहीं पड़े क्योंकि ऐसे इस क्वेश्चन पे सो, सो वीडियोस पड़े हुए हैं सिर्फ मुस्लिम के नहीं सबके हाँ हाँ आप, आप ये, ये, ये तो, ये, तो ये इतनी आउटडेटेड डिबेट हो चुकी है कि इस पर तो हम जैसे ही सुनते हैं ना कि हमारे दिमाग सर में दर्द हो जाता है हमें भी बात करते हुए अच्छा लगे ये तो बच्चे वाली दलील है मैं इस बच्चे वाले दलील को एडल्ट वाला दलील प्रूफ कर दू अभी चले ठीक है करे 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 आपको दिया अभी आपने जो ये कहा ना ये लॉजिकल ही नहीं है ये प्रश्न क्यों लॉजिकल है ये समझिए जब आप कहेंगे कि someone is almighty, जब आप ये कहेंगे तब मैं ये जरूर पूछ सकता हूँ कि अगर वो ओलमाइटी है वो कैसे एक पत्थर मतलब वो क्या वो खुद को मार सकता है मैं ये क्यों नहीं पूछ सकता ए, एक एग्जाम्पल देता हूँ इसके इसके ऊपर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ समझ लीजिए आपने कहा कि हर इंसान बच्चा पैदा कर सकता है तो मैं तब जरूर पूछ सकता हूँ कि मर्द क्या मर्द भी बच्चा पैदा कर सकता है यह प्रश्न लग सकता है अभी, अभी आप, 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 देरे आप देरे से, देरे अभी, फिर से सुन लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कितना बचकाना सवाल है अगर मैं कहूँ जब आपने कह दिया ना आपनेडल्ट वाली दलील साबित कर दी अब जरा मैं फिर इसका से आपसे पूछता हूँ आपसे ही पूछता हूँ मेरा मेरा कुछ, मेरा ये कहना है कि ये जो है एक सर्कल है तो आपका अब ये सवाल है ऊपर से इफ दिस इज अ सर्कल कैन इट बी ट्राइंगल ये सवाल कैसा है बच्चे नहीं, वाला है एडल्ट वाला सवाल ही नहीं है भाई वही सवाल है आपका आप समझ नहीं पा रहे नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं आप जब कहेंगे कि सारी शेप हो सकते हैं तब मैं ये कहूंगा आप देखे आप, ये देखें, आप कह रहे हैं ना इफ दिस इज ऑल माइटी अच्छा। जैसे ही आपने ऑल माइटी कहा तो अगला जो सपोजिशन है वो इनकेपेबिलिटी से रिलेटेड हो ही नहीं चाहिए होना ही नहीं चाहिए ना नहीं तो सवाल आपका इनको जैसे देखे सर्कल और ट्रायंगल में क्यों हम कहते हैं कि ये सवाल नहीं बनता क्योंकि ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो पहला जो सपोज आपका स्टेटमेंट है जो दूसरे सपोज स्टेटमेंट को खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है तो इसी तरीके से जैसे ही आपका पहला सपोज जो सवाल होता है ऑल तो दूसरा जो दूसरा जो प्रेमिस बना रहे हैं जिसमें इनकेपेबिलिटी है तो वो आपस में ही कॉन्ट्रोडिक्ट कर जा रहे हैं ना तो दैट इज ये बच्चों वाला सवाल है ये मैंने कहा, के अगर तो नहीं ना अच्छा ये भी यार है मैं मानूंगा तब चलेगी दलील नहीं मान नहीं रहा हूं ये भी यार है मैंने ये दलील नहीं बोला मैंने कहा कि अगर कोई ऑलमाइटी होगा तब उसको ये भी आना चाहिए ना अगर वो अच्छा इसको इसको रिफ्रेश कर देते हैं अगर कोई ऑल माइटी होगा तो वो इनकेपेबल भी होगा नहीं, है ना? नहीं होगा नहीं। ना वो ऑलमाइटी होगा ना लेकिन आप क्या कह रहे हैं? आप यही कह रहे हैं कि क्या खुदा ऐसा पत्थर बना सकता है जिसको वो ना उठा सके अच्छा अब अगर हम ये कहेंगे कि हाँ जी वो बना सकता है कि जिसको वो ना उठा सके तो वो इनकेपेबल हो गया या हम ये कहें कि नहीं वो ऐसा पत्थर नहीं बना सकता तो वो इनकेपेबल हो गया तो आपके हाँ। सवाल का मतलब ही ये निकला कि क्या ऑल माइटी इनकेपेबल हो सकता है या नहीं हो सकता अब मुझे बताइए इसमें खुद कॉन्ट्रेडिक्शन है कि नहीं लेकिन, लेकिन इसमें ए, प्रॉब्लम है, है आपका सवाल में आपका जो आंसर है उसमें प्रॉब्लम है क्या है मैंने यही कहा कि कोई ऑलमाइटी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता आपने ये समझा नहीं मैंने क्या कहा अच्छा, एक ये ऐसा ही, ही है अबीर भाई कि नहीं, आपका नहीं, जो इलॉजिकल क्वेश्चन सर्कल के बुनियाद पे है कि कोई सर्कल जो ट्रायंगल नहीं हो सकता तो अब चलो सर्कल एग्जिस्ट ही नहीं करता ये सही है ये नहीं, भी नहीं, सही है सर्कल एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि ट्रायंगल तो हो नहीं सकता सर्कल मेरा दूसरा क्वेश्चन था मैं बताऊं जी पहला पहला हाल हो गया पहला हाल हो गया नहीं 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 मेरा पहला ये और अच्छा अच्छा और मेरी बात रहेगी हवा मैंने पूछा कि आपके पास वो दलील के जो खुदा के न होने वो दीजिए ये वाली ये तो दलील नहीं थी ये तो ऑब्जेक्शन था खुदा के होने पर ऑब्जेक्शन था मैं आपसे तो ये पूछ, पूछ रहा हूँ दलील है ना होने पर हाँ आ, हाँ मतलब मैं बताऊ जैसे हाँ मतलब कि अकॉर्डिंग टू हम लोग बोलते हैं कि इसके इसको उर्दू में क्या कहते मुझे पता नहीं मैं बांग्लादेश से हूं ना So, हम लोग कहते एजुकेशन और समथिंग लाइक दैट सो आप आप इंग्लिश में बोल दो मैं बता था था था। आप इंग्लिश में बता दो इंशाल्लाह समझ लेंगे इंग्लिश वही तो मुझको नहीं पता लॉजिकल एजुकेशन लॉजिकल एजुकेशन ऐसा तो कोई टर्म नहीं है भाई लॉजिकल रीजनिंग होगा हाँ रीजनिंग होगा रीजनिंग मे बी मे बी चले हाँ ठीक है फिर सो उसके मुताबिक वही बंदा दलील पेश करेगा जो अफर्मेटिव सेंटेंस बोलेगा अच्छा लाइक डिड यू गेट या जी जी एक जी अफर्मेटिव एक जो, जो जो सेंटेंस पेश करेगा वही वही दलील आ, दलील देगा। जो अफर्मेटिव नहीं देगा यानी जो, जो नेगेटिव स्टेटमेंट देगा वो दलील नहीं देगा वो दलील पहले नहीं देगा ना वो बाद में देगा ये उसूल कहां से निकाला वो वो यानी उर्दू में मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ गूगल ट्रांसलेट हाँ, लॉजिकल उर्दू में ना इंग्लिश में कर देना भाई हमने मान लिया लॉजिकल रीजनिंग हाँ। तो इंग्लिश में लॉजिक लिखा रहा है हाँ, तो मुताबिक फॉर एग्जाम्पल समझ ली आप मैंने ये दावा किया कि मुफ्ती भाई से मैंने लिया है दस हजार रुपए मतलब उसने उनने मेरे से लिया है दस हजार रुपए मैंने ये सेंटेंस बोला अभी मुझको दिखाना चाहिए कोई फोटो कोई वीडियो या फिर कोई यू नो एग्रीमेंट सो हमको ये पता चले कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ अभी आप मुफ्ती भाई तो ये प्रूफ नहीं कर सकते कि उसने मेरे से नहीं लिया डिड यू गेट द पॉइंट ठीक अच्छा अब एक एक, एक मैं आपको दूसरा सिनेरियो देता हूँ हाँ। मसलन आप मेरे घर के बाहर खड़े हैं और कह रहे हैं कि ये मकान मेरा है ठीक है हाँ ठीक मैं घर के अंदर हूं और मैं कह रहा हूं कि ये मकान मेरा है मैं घर के अंदर रह रहा हूं तो दोनों ने अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स दिया अब मुझे बताएं कि दलील का दलील किसको देनी है अभी जिस जो सच्चा है उसको देना चाहिए जो सच्चा अच्छा जो सच्चा है वो दलील देगा है? तो आ, दिलील हम दलील दे रहे हैं हमें सच्चा मान लिया आपने हम दलील दे रहे हैं मान लिया सच्चा क्या दलील दे रहे दिखा अभी मैं, मैं, मैं हो दिखाओ मुझे मैं, दलील लेके आए भैया सुनिए <laughs> सुनिए मैंने जो क्वेश्चन नहीं किया मैंने एक नहीं 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 एक मिनट अभी यहीं रुक जाइए मैंने आपको आपकी लॉजिक आप ही के सर है ना दोनों लोगों ने जो घर में बैठा है और वहां रह रहा है और जो घर के बाहर है दोनों ने अफॉर्मेटिव स्टेटमेंट दिया है मुझे बताइए दलील किसके जिम्मे है दलील ओके तो दोनों के देना चाहिए। देना चाहिए चाहिए नहीं अगर आप ये अबीर भाई ये हमने दिया है इसलिए दलील नहीं देंगे यही कह रहे हैं, कह रहे हैं, रहे हैं ना आप। हाँ, मैंने नेगेटिव दिया है आपने मैं आके आज क्लेम करता हूँ की तुम्हारा घर नहीं है मैं निगेटिव क्लेम करता हूँ कि तुम जिस घर में रह रहे हो तुम्हारा घर नहीं है मुझे प्रूफ करना होगा कि वो आपका घर नहीं है या मुझे आपको प्रूफ करना होगा कि वो आपका घर है किसको क्या करना होगा हाँ, मैंने निगेटिव मैंने निगेटिव जो है वो क्लेम किया है कि वो आपका घर नहीं है मेरे घर को आप मेरे घर नहीं आपके घर को आपके घर को हाँ, आप जहाँ रहते हैं ना मैंने क्लेम किया कि वो आपका घर नहीं है हाँ। अब 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 दलील किसके जिम्मे है सबूत कौन देगा तो अब मुझे देना चाहिए ना क्योंकि आपको? मैं मैं जरूर कहूंगा आपको देना चाहिए ना आपको मुझे देना चाहिए जिसका घर है उसको देना चाहिए तो इसका मतलब ये है आप ये कहेंगे मेरा घर है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप मुकदमा अब आप दलीलें देते फिरेंगे हम तो दावा करके साइड लाइन हो गए <laughs> पता दुनिया पता का मैं एक बंदे को रोज लगाऊंगा रोज लगाऊंगा इसको बोलूंगा ये इसको बोले कि यह मेरा घर ये तेरा घर नहीं है फिर यानी मैं मैं किसी के भी बारे में दावा करके भाग जाऊं कि ये इसका घर नहीं है अब वो अदालत के चक्कर काटता फिरेगा साबित करने के लिए भाई यानी अगर मंतिक का नाम लिया है तो मंतिक की थोड़ी सी तो मानो यार उसकी कुछ तो लाज रखो तो अभी आपने एक आपने बोला आपने में कहते आ, हैं कि जो मंतिक जो में, में, में असल है उसूल ये है की जो दावा करता है दलील उसके जिम्मे होती है मंतिक में उसूल नहीं है की जो पॉजिटिव दावा करता है दलील उसके जिम्मे होती है दलील दोनों दावा दोनों हो सकता है निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है अच्छा अब अब आप ये देखें कि okay. दावा जो कर रहा जो, है जो दावा है। जो कर रहा है ना दलील उसके जिम्मे आप ये कहते हैं ना तो बाप की बात मान लेता इसी को हम बोलते हैं मुद्दई मुद्दई के जिम्मे दलील है मुद्दा डिफेंडेंट के जिम्मे दलील नहीं है okay. Okay. So maybe, नहीं, maybe यही लॉजिक है कोर्ट में भी यही चलता है लोकसभा में भी यही चलता है अभी क्या करना है अच्छा अब मुझे एक बात बताइए हम, हम अपने रिलीजन का डिफेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मैं मेरा रिलीजन नहीं, आप... नहीं, नहीं आप... आपकी बात आपके रिलीजन की बात नहीं हो रही है। हम यहाँ अपने रिलीजन को डिफेंड करने बैठे हैं ना हाँ 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 बहुत तो तो हम डिफेंडेंट हुआ इसलिए आप दलील जो है मुद्दई के जिम्मे तो दलील आपको देनी है कोई खुदा नहीं है हमें नहीं देनी हम देंगे तो हमारा एहसान दलील आपको देनी है मुझे देनी है खुदा नहीं है हाँ हम तो डिफेंडेंट है हमें कोई देनी है मैंने मेरे नाम पे क्या लिखा है एग्नोस्टिकीन मैं नहीं जानता भाई नहीं, sure जानने, नहीं जानने का एग्नोस्टिक वो होता है कि जिसने दोनों दलीलें पढ़ ली समझ ली खुदा के होने की भी और खुदा के ना होने की भी अब वो इस कंफ्यूजन का शिकार हो गया कि यार ये वाली हाँ दलील हाँ हा। ये वाली दलील उस दलील को खत्म कर देती है और वो वाली दलील इस दलील को खत्म कर देती है अब आप प्योर एग्नोस्टिक है लेकिन उसके जरूरी तो है ना कि खुदा के न होने की कोई दलील आपने पढ़ी हो वो दलील आपके पास है नहीं मैंने बोला ना कोई ऑलमाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकता ये ये दलील है दावा है फिर आप एग्नोस्टिक कहां हुए भाई बात आप ये कह दिया अगर आपने ये कह दिया कि कोई कर ही नहीं सकता फिर आप एग्नोस्टिक कहां से हुए फिर आप एथिस्ट हो गए हां ये भी सही है ये भी सही है <laughs> तो मतलब देखिए सब... इसका सब मतलब ये मतलब सब सब है मतलब कि आपको आपके एग्नोस्टिक होने में एग्नोस्टिक एग्नोस्टिसिज्म है आपको अपने एग्नोस्टिक होने में मे बी या कंफ्यूजन यह भी ठीक है यह भी ठीक है इसी को इसी को इस इसी को हमारे यहाँ बोलते हैं एक टर्म आती है अरबी में उसको बोलते हैं ला अदरिया ला अदरिया का मतलब यह कि मुझे नहीं पता तो फिर उसका उससे सवाल होता है कि अच्छा आपको पता है कि इस वक्त दिन है रात है वो कहेगा कि नहीं मुझे नहीं पता मैं किसी बारे में अफर्मेटिव हूं ही नहीं अच्छा आप मौजूद हैं आपको पता है उसे कहा, नहीं मुझे नहीं पता तो भाई ऐसे लोगों का एक इलाज है वो इलाज ये है और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके साथ ही इलाज किया जाएगा मैं ऑन अ लाइटर नोट बता रहा हूं ऐसे लोगों का इलाज ये है कि इनको आग में फेंका जाए और इनसे पूछा जाए दर्द हो रहा है उसका एहसास है अगर वो कहेंगे नहीं हमें नहीं पता तो ठीक है जलते रहो और जब कहें कि हमें पता है तो उसका मतलब दरद के बारे में तो पता है एक चीज के बारे में तो पता है तो ये जो आपका जो बिहेवियर है ना ये वही कुछ लादरिया वाला लग रहा है मुझको इसको, इसको, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फायरोनियन स्केप्टिक जी अच्छा ये लेट मी आस्क ये आपने नाम बदल लिया अच्छा वो आप मंत की और रीजनिंग की लाज रखी तो चले ठीक है भाई अब आपसे अगली मरतबा बात होगी आपसे भाई भाई एक मुझे इस्लाम को जानना है मुझे समझना है कि या एग्नोसिज्म इस्लाम ट्रू है राइट सो मैं इसलिए आया था आपसे प्रश्न पूछने आपने मुझसे उल्टा प्रश्न पूछ के मुझसे ही मतलब प्रश्न पूछने नहीं दिया सो so, क्या या इंसाफ। लेट मी आस्क साहब आप जिस परपज के लिए आए थे आई थिंक आप उसमें कामयाब हो गए हमने आपको सवाल करके ये बदल दिया कि आप नहीं, जिस चीज से इस्लाम को गलत कर रहे हैं वो खुद ही गलत है तो इस्लाम सही है तो योर गोल नहीं नहीं हमने इनका दीन बदल दिया आप ये बोलते हैं एग्नोस्टिक है अरे मुफ्ती भाई मुझे दो सिंपल सवाल है ना उसको पूछने तो इस्लाम सही भी साबित हो सकता है मेरे लिए मैं दीन में आ सकता हूँ

आइडियोलॉजी या प्रेमिसिस को वो गलत कह रहा है हम जब ये साबित कर दें कि उसका अपना ग्राउंड गलत है तो जिसको वो गलत कह रहा है ना तो अब उसको सही समझना आसान हो जाता है मैं ये नहीं कहता कि वो ऑटोमेटिकली समझ सही हो जाता है उसको सही समझना आसान हो जाता है जब आपको अपनी इनकंसिस्टेंसी पता चल जाएगी तो आपको दूसरे की कंसिस्टेंसी समझना आसान होगा ठीक है इसलिए आपका इंटोरोगेशन किया गया इंटोरोगेशन नहीं कहेंगे आपसे कुछ क्वेश्चन किए गए जी अब आप मुझे बताएं कि आपके वो एक दो सवाल क्या है हाँ, मेरा जो सवाल है वो दो सवाल का पहला सवाल मैं करूंगा तकदीर के ऊपर जो तक्दीर कुरान तक्दीर का जो एक तक... मिनट हाँ, एक मिनट उठ जाइए एक मिनट रुक जाइए भाई तकदीर के ऊपर मेरी कोई वीडियोस अगर उठाकर जो है लिंक में डाल दें उसको जो है उसको देख लीजिए एक मतलब एक ही बात को मैं अरे मैं तकदीर के बारे में बहुत बहुत कुछ जानता हूं बहुत कुछ मतलब ओके मेरा प्रश्न सुन ली जी पहले मैं ये जानता हूँ कि एक बंद फ्री विल भी है और अल्लाह ने मतलब ऐसा भी बहुत सारे आयत है जिसमें अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह अल्लाह के पहले अल्ला मर्जी करते हैं पहले अल्लाह विश करते हैं बाद में बंदा एक्ट करता है ऐ, ऐसा सिमिलर नहीं ली नहीं लेकिन ऐसा जैसे कि आप देख सकते हैं कुरान के लेस, लेसे, लेसे, 18 एंड वर्स नंबर 17 एंड ओके okay, मैं बहुत सारे दलील दे सकता हूँ मेरे पास है मैंने लेके आया है okay. तो आप लोग क्या सुन रहे, अच्छा, सुन रहे मैं, सुन मेरा पहला मेरा मेन सवाल ये है कि क्या अल्लाह खुद से एक बंदे को फॉर एग्जांपल मुझको गुमराह कर रहा है या मैं खुद से हो रहा हूं मेरा फ्री विल से मैं हो रहा हूँ या अल्लाह मुझे कर रहा है मैं दलील भी दे सकता हूँ एक मिनट आप देखिए चैप्टर नंबर नंबर वर्स आयत इंग्लिश में चलिए रुक जाइए मुझे वो निकालने दीजिए रुकिए एक मिनट रुकिए होल्ड कीजिए अच्छा जी चैप्टर नंबर सेवन वर्स वर्स वन सेवन एट वान, सेवन, वान, सेवन, वान, सेवन एट सेवन एट

एक मिनट यह एक आयत में निकाल रहा जरा होल्ड करें आ, कहां गई वो ये आयत असल में सूर्य गाफिर की है जो खैर ठीक है देखिए ये मसला जो है ना सूरत के अंदर भी आया है मैं आपको उसकी आयत निकाल कर दिखाता हूं सूरत में ये मसला है और बिल्कुल शुरू में ही ये रही वो आयत अच्छा जी अल्लाह ताला अच्छा कहता है कि वह अम्मा वबिलना फसनरा इसका तर्जुमा में पढ़ के सुना देता हूँ आपको रहा वो शख्स के जिसने बुखुल से काम लिया और अल्लाह से बेनियाजी इख्तियार की यानी बन गया एरगेंट बन गया अल्लाह से के बारे में उसने कहा कि मुझे, मुझे अल्लाह की कोई जरूरत नहीं है और वकबिलहसना और उसने अच्छी बात को जुटलाया ठीक अब आगे क्या कह रहा अल्लाह फसन तो हम उसको तकलीफ की मंजिल यानी जहन्नम तक पहुंचने का रास्ता उसके लिए आसान कर देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि रास्ता आसान जहन्नम तक जाने का रास्ता आपके लिए आसान उस वक्त होगा जब नंबर एक आप कंजूसी इख्तियार करेंगे यानी लोगों की मदद नहीं करेंगे हुकूक लिबाद जो है आप उसको इख्तियार नहीं करेंगे आप खुदा के सामने एरगेंट बनेंगे और आप अच्छी बात को जुटलाएंगे तो अल्लाह ताला जहन्नम तक जाने का रास्ता आसान कर देगा यही है मतलब उसका कि जिसको खुदा फिर जिसके लिए वो जहन्नम का रास्ता आसान हो जाएगा अब आप उस जहन्नम के रास्ते को अपनी मर्जी से मुश्किल नहीं बना सकते हां उस रास्ते ही को आप बदल दें तो भी जन्नत चले जाएंगे मैं एक मिसाल देता हूं आप मसलन ढाका में रहते हैं ढाका में रहते हैं किधर रहते हैं ठीक है शिल्ट। शिल्ट में एक बांग्लादेश में एक बड़ा शहर ढाका एक सिलठ इसके अलावा कोई तीसरा शहर बताइए चटगाम चले चटगाम ले अब आपने सिलहट से हुकूमत ने दो रास्ते निकाले एक चाटगाम का और एक ढाका का आप चाटगाम वाले रास्ते पे निकल कर खड़े हुए और ये कह रहे हैं कि मैं मुझे जो है कोई भी ढाका नहीं पहुंचा सकता तो भाई रास्ता तो आपने खुद ही मुंतखब किया है ना तो आप ढाका कैसे पहुंचोगे ढाका वाले रास्ते पे चलोगे तो ढाका पहुंचे तो ऐसे ही खुदा ने दो रास्ते दे दिए हैं एक रास्ता है उसी सूरत के अंदर उसी सूरत में आगे लिखा हुआ है बल्कि उससे पहले है वो ये है कि अः आता वही तीन बातें कि जो दे यानी बखुल इख्तियार ना करे बल्कि अपने भाई बंदो पड़ोसियों का के हकूक अदा करता रहे वत्तका तक्वा इख्तियार करे यानी एरोगेंट ना बने खुदा के सामने और अच्छी बात को दिल से माने तो हम उसको जो जन्नत का रास्ता है वो उसके लिए आसान कर देते हैं यह है, हिदायत। तो हिदायत है लेकिन इख्तियार बंदा करता है फ्री विल के नतीजे में उसको बनाने वाला उसको क्रिएट करने वाला खुदा है ये आपने ये जो कहा इसका मुझे मतलब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन लगा चैप्टर नंबर 29 ये अगर खोल के उसका आप अगर तफसीर बोल देंगे तो अच्छा रहेगा मतलब आपके जे जो बयान है उससे क्या ये मतलब वो करता है इतना वर्स 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 29 अच्छा लास्ट हो जाए वमा तशाऊना नहीं ये हम्म वमा तशाऊना इल्ला इंशाअल्लाह रब्बिल आलमीन और तुम चाहोगे नहीं इल्ला ये के खुद अल्लाह चाहे जो सारे जहां दिगार है पहले अल्लाह चाहते हैं ना पहले अल्लाह बोलते हैं ना कि मुझको मतलब यू नो ढाका नहीं जाना है पहले अल्लाह मैं इसका जवाब देता हूं कि आपने आयत के आ, माने ही गलत समझे इस आयत का मतलब ये है, है कि तुम जो भी चाहते हो यानी तुम्हारे अंदर जो फ्री विल है वो इसलिए कि अल्लाह ने चाहा कि तुम्हारे अंदर फ्री विल हो अल्लाह ने यह नहीं चाहा कि सूरज के अंदर फ्री विल हो तो सूरज में नहीं है चांद में हो तो चांद में नहीं है सितारों में नहीं है आपके अंदर है क्यों इसलिए कि अल्लाह ने चाहा कि आपके अंदर हो मैंने समझा नहीं मतलब आपके बात सुना लेकिन समझा नहीं मतलब मैं ये कह रहा हूं कह रहा है कि वमा तशा होना जो कुछ भी तुम चाहते हो तुम कुछ भी चाह सकते हो अच्छाई या बुराई ठीक है इसी को फ्रीविल कहते हैं ना हाँ

मैं तुम लोग नहीं चाहते हो अगर अल्लाह नहीं चाहे यही है ना हाँ तो तुम लोग, तुम लोग मैं मैंने जो तर्जुमा किया वो ऑथेंटिक तर्जुमा में लिखा हुआ है मेरा अपना तर्जुमा नहीं और तुम चाहोगे नहीं इल्ला ये कि हाँ, खुद अल्लाह चाहे तो अल्लाह जो चाहता हाँ, है अल्लाह जब चाहता है ना तब तो भी तुम भी चाहते हो तुम्हारे पास जो चाहत है जो इरादा यहाँ पे फ्रीज है हेलो मुफ्ती साहब यहाँ पे हो फ्रीज हो गया मतलब मैं बताता हूँ बेसिकली क्या है इस आयत में ये है कि तो आप की आपकी जो चाहने की जो चाहत है ना चाहने की जो चाहत है वो अल्लाह के चाहने के तब है यानी ऐसा हो नहीं सकता पॉसिबल नहीं है कि अल्लाह नहीं चाहता हो कि आप चाहें फिर भी आप चाहते रहे तो आपके अंदर ये चाहने की जो कैपेबिलिटी है वो उसी वजह से है कि अल्लाह चाहता है कि आपके अंदर ये चाहत हो यानी कि ये जो इख्तियार है ना ये जो फ्री विल है ये इसी वजह से है कि अल्लाह ने चाहा है कि आपके अंदर ये फ्री विल हो ओके okay. ठीक है ओके okay, सो so, मेरा जो दूसरा सवाल था वो करो ये 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 सॉल्व हो गया आपका मैं आ, नहीं मैंने सॉल्व नहीं हुआ निकल गए आतिफ भाई जगह बनाई बाकी नीचे से बहुत सारे लोग होंगे थोड़ा सबको निकाल दें पहले मुस्लिम सुल्तान तो आप लोगों ने करना ही दिया तो आपका हो गया ये सॉल्व हो गया फमन शाह फलयूमी वाला हो गया सॉल्व सॉल्व नहीं हुआ क्या अब इसमें क्या क्वेश्चन रह गया मैं ये पूछ रहा था कि इस वर्ष में क्या ये नहीं कहा गया या क्या ये नहीं समझाया गया कि खुदा पहले विश करता है किस चीज का विश करता है खुदा पहले फॉर एग्जाम्पल मैं अभी किस चीज का विश, विश, विश करता आप... है बिल्कुल बिल्कुल सही आपने समझा कि खुदा विश करता है पहले किस चीज का विश करता है खुदा सब चीज का सारे चीज का इस, इस में क्या है? खुदा पहले विश, विश करता है किस चीज का आपके विश करने का विश करता है पहले खुदा आपका जो विश करना है वो इस वजह से है कि खुदा विश करता है कि आप विश करें आ गया समझ में खुदा चाहता है पहले पहले खुदा ये चाहता है कि आपके पास फ्री विल हो आपके पास चाहने की ताकत हो तब आपके पास ये चाहने की ताकत ये चाहने की ताकत आपका जो है ऐसा नहीं है कि अपने आप आ गया ये खुदा के चाहने से आपके पास चाहने की ताकत आई है हाँ तो क्या हुआ मतलब मैं ये कह रहा था कि इस वर्ष में कहा गया है जो कहा गया है उसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं अभी इस्लाम को लीव करता हूँ मैं अगर इस धर्म को त्याग देता हूँ तो ये खुदा के पहले मर्जी था पहले मुझे खुदा ने मुझसे ये मुझसे ये करवाया अभी खुदा ने आपको फ्री विल दिया खुदा ने आपको चाहने का कि आप ये करें आप इस्लाम को छोड़ें आप जो है किसी दूसरे मजहब को इख्तियार करें चूज करें इसका आपको खुदा ने इरादा इसके खुदा ने आपको इजाजत दी इख्तियार दिया ये है लास्ट लाइन आपके पास विल हो आपके पास चाहत हो इसको खुदा ने पहले चाहा फिर आपके पास ये आया ये जो आप जो आपने जो चूज किया या जो डिनाई किया या जो एक्सेप्ट किया वो इस वजह से किया कि आपको इस चीज के चाहने की चाहत अल्लाह ताला अल्ला के चाहत से है ओके ओके सो लीव दिस सेकंड क्वेश्चन करूं सॉल्व नहीं फिर भी यार अब क्या okay. इसमें आप Okay, ये तो वही बात हो गई ना कि नहीं सारे हो गए सब कुछ मिल गया लीव दिस लेकिन सॉल्व